कम टू आर एन केमिस्ट्री की पॉइंट। दोस्तों 2016 दिसंबर में 2 मार्क्स का पेरिसाइक्लिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आया था, जिसमें रिएक्टेंट दिया हुआ था, डेल्टा कंडीशन दिया हुआ था और उसके बाद ये प्रोडक्ट बना के देना था दिया हुआ था। इसमें हमें बताना था या 4 पाई कॉनरोटेशन होगा या डिसरोटेशन होगा, 6 पाई कॉनरोटेशन होगा या डिसरोटेशन होगा, इसका हमें सिलेक्शन करना था। और इसका जो है हम रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो सकता था। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह रिएक्टेंट दिया हुआ था, हमें क्या करना है इसको एक बार हम क्या करते हैं दोबारा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 4 मेंबर रिंग था दोस्तों, यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका रिंग ओपनिंग करना है, यहाँ पे दिया हुआ डेल्टा कंडीशन, रिंग ओपनिंग करवा लेते हैं ठीक है। यह यहाँ पे जाएगा ठीक है, और यह क्या होगा यहाँ पे आएगा। इसका मतलब है हमने दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हमने दिया था इसका पेरिसाइक्लिक में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हमने बताया था कि जो है यानी रिंग ओपनिंग में हमें क्या करना होता है, पहले हम इसका होमो क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं। होमो के लिए हमने बताया था जितने बॉन्ड क्या होंगे इन्वॉल्व होंगे उतना ही उसका होमो होगा ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह बॉन्ड क्या हो रहा है, रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, यह बॉन्ड हो रहा है, इसका मतलब है कि 2 बॉन्ड हो रहे हैं, इसका मतलब 2 बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब साइड टू हो गया ठीक है। तो साइड टू का अगर हम बात करते हैं फ्रॉन्टियर मॉलिकुलर ऑर्बिटल की बात अगर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है या प्लस होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है, जिसे आप देख सकते हैं वीडियो, और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में पेरिसाइक्लिक का जो लेक्चर दिया हुआ आप उसमें देख सकते हैं जिसमें यह दिया हुआ है। अब इसमें मैं बताया था कि दोस्तों यह बॉन्ड यहाँ पे आया, बॉन्ड यहाँ पे आया, और इसके मतलब है कि इसका 2 बॉन्ड ये क्या हो रहा है रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब साइड टू हो गया। साइड टू क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है, और ये सिमेट्रिक फ्रंटियर मॉलिक्यूलर क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक होता है। अब इसका कौन रोटेशन क्या करेंगे देखेंगे कि कौन सा रोटेशन हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम इस प्लस को यहाँ ला रहे हैं तो प्लस ठीक है यहाँ पे आएगा, यानी हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, और इसको भी हमें क्या करना का यहाँ लाना है, तो इसका मतलब है इसको क्लॉकवाइज क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करना है। और दोनों पोजीशन पे नहीं, इस कार्बन पे इस कार्बन के पी ऑर्बिटल को क्या कर रहे हैं हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, अभी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा कौन रोटेशन ठीक है। और कौन रोटेशन के थ्रू क्या होगा, यह बॉन्ड यह 4 मेंबर रिंग क्या होगा ओपन हो जाएगा ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 4 मेंबर रिंग क्या होता है लेस स्टेबल होता है ठीक है, रिंग स्ट्रेन की वजह से यह क्या होता है रिंग ओपनिंग हो जाती है ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे, यह बॉन्ड यहाँ आ गया और यह बॉन्ड ब्रेक हो गया ठीक है, यह बॉन्ड क्या हो गया ब्रेक हो गया, इसका मतलब यह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हमने बना लिया, और यह डबल बॉन्ड क्या हो गया यहाँ पे आ गया, तो डबल बॉन्ड हमने कर लिया ठीक है। और यहाँ पे ये यह है ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे ऐसे रोटेट कर लेंगे ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 ठीक है, और यहाँ पर 1 2 1 2 के भी डबल बॉन्ड ठीक है। अब उसके बाद जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि यह कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 1 यह हो गया 2 और यह 2 4, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ठीक है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो होगा 4 पाई सिस्टम है ठीक है, और उसके बाद क्या है कौन रोटेशन है ठीक है। तो 4 पाई सिस्टम एंड कौन रोटेशन ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि यह क्या किया है, रिंग को क्या किया है या क्लोज कर दिया, यानी रिंग की सैगलाइज कर दिया ठीक है, सैगलाइजेशन हो गई है रिंग की। अब इसका मतलब है कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, कैसे हुए होंगे यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी क्या है डेल्टा कंडीशन ऑलरेडी दे चुका है, इसका मतलब है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखेंगे ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बताया कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर है तो हम पहले क्या करेंगे रिएक्शन में इन्वॉल्व कितने बॉन्ड हो रहे हैं उसका हम काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यह यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आया और यह इस पर अटैक किया ठीक है। इसका मतलब है कुल टोटल 3 बॉन्ड क्या होंगे इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी 3 2 6 यानी 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे 3 हो गए ठीक है। इसका मतलब है कि इसका होमो जो होगा वो Ψ3 होगा, और Ψ3 के ऑड नंबर है ठीक है, और 8 नंबर में हमने कहा यहाँ प्लस हो गया माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया माइनस हो गया, इसका मतलब है इसका जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा होमो का वह क्या होगा सिमेट्रिक होंगे। और सिमेट्रिक में हमने बताया था कि अगर हम प्लस को यहाँ लाना है और यहाँ लाएंगे ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या है एक क्लाक वाइज है एक एंटी क्लाक वाइज है, इसका मतलब है यह क्या हो जाएंगे डिसरोटेशन हो गया ठीक है। डिसरोटेशन के थ्रू क्या होगा इसका जो है ऑर्बिटल क्या होगा रिकम्बिनेशन होगा या इंटरमिक्सिंग होगी, जिससे क्या होगा न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो
होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका मतलब है, या कह सकते हैं 6π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, या इसका मतलब है 6π क्या होगा, डिसरोटेशन हो जाएगा, ठीक है, 6π डिसरोटेशन, ठीक है। तो और उसके बाद क्या हो जाएगा, यह 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह बॉन्ड, यह बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पे आ गया और यह बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब यह प्रोडक्ट हमें, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमें दो चीज़ें मिली, एक मिला 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, कौन रोटेशन, और इसके बाद 6π 4n+2 4n+2 या 6π कह सकते हैं, और उसमें क्या हो रहा है, डिसरोटेशन होगा, और उसका जो है हम ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑप्शन में क्या हुआ है, यहाँ पे 4π कॉन्रोटेशन एंड 6π डिसरोटेशन दिया, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है। इस अगर यह दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको सजेशन है तो उसे भी लिखते रहें। थैंक यू।